लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में, आज पढ़ेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन. ओके, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का यूज क्या करते हैं आज पे हम कहां पे यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड द शिप. ओके, इज नोन एज द ऑक्सिलरी इंजन. बिजली कहां से मिलेगी? जनरेटर से मिलेगी. जनरेटर में, अब जनरेटर से बिजली मिलेगी या उसके साथ कुछ लगाना पड़ता है? अल्टरनेटर कपल्ड विद द डीजल इंजन इज नॉन एज द जनरेटर. अल्टरनेटर को डीजल इंजन के साथ जोड़ दो तभी तो बिजली प्रोड्यूस होगी. केवल इंजन से प्रोड्यूस होने लगे तो घर में गांव में सबके पास इंजन है, कोई भी प्रोड्यूस कर लेगा. अल्टरनेटर कपल करना पड़ता है जिसको हाई स्पीड से एक फ्रीक्वेंट स्पीड में, मतलब सेम स्पीड में रन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर फोर स्ट्रोक इंजन है 720 आरपीएम, 720 आरपीएम, आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट. एक मिनट में कितने चक्कर काटेगा? 720. तो उतनी ही स्पीड पे वो कंटिन्यूस रनिंग करेगा तब जाके अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. अगर स्पीड आपकी कम ज्यादा हो रही है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होंगे. वोल्टेज जैसे डायनामो, डायनामो जानते हैं? यस सर. पहले के जो आईसी ट्रैक्टर होता था, अभी भी आईसी ट्रैक्टर में को जो गांव में चलता है ना अपने ट्रैक्टर में क्या होता है, या राजदूत मोटरसाइकिल, स्पीड बढ़ाओ लाइट जल जाएगी, स्पीड कम करो लाइट कम हो जाएगी. व्हाट इज दैट? डायनामो. ट्रैक्टर में वही होता है, जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे लाइट जल जाएगी, और जैसे ही एक्सीलेटर कम करोगे लाइट कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड की वजह से वो फ्लक्चुएट हो रहा है. तो वो सब सिस्टम किसमें होता है? डायनामो में. अल्टरनेटर में ऐसा नहीं होता. अल्टरनेटर क्या करता है? कांस्टेंट स्पीड पर रन करेगा इंजन, तो वो सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो फोर स्ट्रोक इंजन यूज एज ए ऑक्सिलरी इंजन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड द शिप. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू स्ट्रोक डीजल इंजन व्हिच इज नोन एज द मेन इंजन. टू स्ट्रोक डीजल इंजन. स्ट्रोक की डेफिनेशन सबको बताया था, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम पीवीसी टू बीडीसी. ओके, पिस्टन जब ऊपर से नीचे तक मूव करता है, पीडीसी से बीडीसी तक और बीडीसी से पीडीसी तक, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक. ठीक है, कंपोनेंट्स भी बेसिक बेसिक समझ लिए थे, पिस्टन, सिलेंडर लाइनर, ये सब चीज समझ ली थी आपने. ओके, सेम प्रोसीजर इसमें भी है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप थोड़ा सा डिफरेंस होगा मैं समझा दूंगा. ये क्या बन रहा है? सिलेंडर लाइनर. चलिए डिजाइन इतना अच्छा ड्रॉइंग नहीं है. ओके ग्रेट, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? पिस्टन. ओके, फोर स्ट्रोक इंजन में इसको बोलते थे कनेक्टर. ओके, टू स्ट्रोक इंजन है जिसमें बोलेंगे पिस्टन. यहाँ पे एक गर्जियन पिन हुआ करता था, वो टू स्ट्रोक इंजन में नहीं होता. ठीक है, वो टू स्ट्रोक इंजन में नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये जो पिस्टन रॉड है वो पिस्टन के साथ कैसे कनेक्ट होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. लेकिन अभी इतना समझ लो कि यहाँ पर गर्जियन पिन नहीं होता है. इट्स परमानेंटली कनेक्ट विद द पिस्टन. पिस्टन रॉड एंड पिस्टन इज कनेक्ट परमानेंटली विद द नट एंड बोल्ट. ओके, गर्जियन पिन का सिस्टम नहीं है. अब नीचे का क्या मैकेनिज्म है वो बाद में डिस्कस करेंगे, कोई और बात पढ़ने. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होल्स होते हैं लाइनर में. ठीक है, सिलेंडर लाइनर में क्या होते हैं? यहाँ पे होल होते हैं. तो ये होल यहाँ पे होंगे, ये लाइनर ही तो है. नीचे नीचे यहाँ पे होल होते हैं. बट टू स्ट्रोक, सॉरी फोर स्ट्रोक में होते थे क्या होल्स? नहीं, ये जो होल बनाए हुए हैं इनको बोलते हैं पोल्स. पोर्ट एक होगा तो पोर्ट, बहुत सारे हैं तो पोर्ट. ठीक है, ये पिस्टन है आप सबको बता रहे. ये है पीवीसी और ये पीवीसी. इतना क्लियर हो गया? यस सर. ये सिलेंडर लाइनर. अभी भी क्लियर हो रहा है क्या वीडियो? हाँ सर.
क्लियर हो गया इतना? ओके, अब जो हमने फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमारा जो साइकिल शुरू हो रहा था इंजन का, वो हो रहा था टीडीसी से। क्लियर? इसमें साइकिल शुरू होता है बीडीसी से, क्योंकि पिस्टन तो टीडीसी पे, अभी पिस्टन क्या होगा, जो कंप्रेस्ड एयर जो स्टार्टिंग एयर जाएगी वो कौन से पिस्टन में जाएगी? पिस्टन कहाँ होना चाहिए? टीडीसी पे। क्लियर? ठीक है, पिस्टन साइकिल शुरू नहीं हुआ अभी, अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग का काम कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं अभी? सिर्फ स्टार्टिंग। तो जो हम स्टार्टिंग एयर जो देंगे इंजन में, वो कौन सी पिस्टन पर देंगे, कौन सा लाइनर पर देंगे? जिसमें पिस्टन आपकी टीडीसी पर होगी। ओके, तो यहाँ पर पिस्टन टीडीसी पर है, ऑब्वियस है इसी में देंगे। तो जब ये पिस्टन नीचे जाएगी तो कोई दूसरी पिस्टन ऊपर आएगी, है ना? तो जब दूसरी पिस्टन ऊपर आएगी तब जाके आपका साइकिल शुरू होगा, इससे नहीं होगा। इसके जो नेक्स्ट वाली जो पिस्टन है, जो बीडीसी पे है, उसको यहां बना लेते हैं। ये पिस्टन टीडीसी पर थी, ये पिस्टन बीडीसी पर। अब यहाँ पे ये कितने डायग्राम है, कितनी पिस्टन है? दो पिस्टन है, दो लाइन है। ठीक है, और इस ट्रक में हमने एक ही पिस्टन से पूरा वर्किंग समझ लिया था। यहाँ पे हम ये पिस्टन को कंसीडर किया है स्टार्ट करने के लिए, जब इसमें एयर जाएगी ये नीचे आएगी तो ये वाली ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये नाम हटा दो बीच के, टर्बोचार्जर का यूज बताया था आपको, है ना? टर्बोचार्जर इज यूज टू इंक्रीज द इनटेक एयर सप्लाई टू द कंबशन चेंबर, है ना? कंबशन चेंबर में जो एयर को इंक्रीज करने का काम करता है वो होता है टर्बोचार्जर। किससे चलता है वो? एग्जॉस्ट गैस से। यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया था नाम इसका है पोर्ट, ये बीडीसी पर हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बनाने वाले हैं हम, ये बताया था आपको स्केवेंज पोर्ट, ठीक है, सॉरी पोर्ट बताया था, स्केवेंज नहीं बताया, पोर्ट बताया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें बीच में एक लगा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। क्या लगा है? एग्जॉस्ट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, एयर स्टार्टिंग वॉल्व, फ्यूल इंजेक्टर, ये सब चीजें लगी होगी जो हमने फोर स्ट्रोक में डिस्कस किया था। बट ओनली इस पे इनलेट वॉल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब इनलेट वॉल्व नहीं होगा तो फ्रेश एयर कहाँ से अंदर आएगी? और पोर्ट से। ठीक है, कहाँ से अंदर आएगी? पोर्ट से। क्या लग गया ये? टर्बोचार्जर। ठीक है, टर्बोचार्जर क्या करता है? एयर सप्लाई करता है। अभी समझ में आ गया, ये जो एयर यहाँ पे आगे वो कहाँ से आ रही है? टर्बोचार्जर से। टर्बोचार्जर किससे रन, किससे करता है? एग्जॉस्ट गैस। कुछ समझ में आ रहा है? एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू जो गैस बाहर निकलेगी वो इसको रन करेगी, और इसको जब रन होगा तो यहाँ से फ्रेश चार्ज एयर अंदर आएगी, है ना? और एग्जॉस्ट गैस इसको रन करने के बाद में किधर चली जाती है? एटमॉस्फेयर, या फिर एग्जॉस्ट गैस बॉयलर के पास। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको सबको? ओके, अब देखो ये काम कैसे करेगा। जब हमने इसमें स्टार्टिंग एयर दी, ठीक है, ये मान लीजिए यूनिट नंबर वन है और ये यूनिट नंबर टू है। यूनिट का मतलब सिलेंडर वन, सिलेंडर टू। ओके, तो ये पिस्टन नीचे गया बीडीसी की तरफ। तो जो बीडीसी पर पिस्टन है वो किधर आएगा? ऊपर आएगा। किधर मूव करेगा? टीडीसी की तरफ। तो मुझे बताओ, अभी पिस्टन यहाँ पर नीचे है तो ये होल के थ्रू एयर अंदर भरी हुई है इसमें,
भरी हुई है ना, एयर भरी हुई है। अब पिस्टन जब ऊपर आएगा यहाँ पे आ जाएगा, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, मैं इसका डस्टर का यूज कर रहा हूँ। पिस्टन यहाँ पे है, पिस्टन धीमे धीमे मूव हुआ, तो ये पोर्ट्स खुले रहेंगे या बंद हो जाएंगे? बिकॉज हमें पता है पिस्टन सिलेंडर लाइनर के अंदर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो होल्स हैं वो हो जाएंगे बंद, मतलब पोर्ट्स बंद हो जाएंगे। ओके, तो जब ये पोर्ट्स बंद होंगे, मैं इसको डॉट 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 में समझा देता हूँ आपको, ये पिस्टन की नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पे होगी, ये होगी, क्लियर। तो अब यहाँ पे जो एयर होगी वो ऊपर जाएगी क्या? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ऊपर पिस्टन चला गया। अब एयर कहाँ पर रहेगी? पिस्टन के नीचे रहेगी। कहाँ पर रहेगी एयर? पिस्टन के नीचे। थोड़ा सा गलत बन गया प्लान। ऐसे रहेगा, ठीक है। एयर कहाँ रहेगी? पिस्टन के नीचे रहेगी। आप सोच रहे हो ना सर, ये आपने यहाँ पर नया बना दिया, ये एयर इधर भी तो रहेगी? रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पूरे जगह में एयर रहेगी, लेकिन पिस्टन जब ऊपर चला जाएगा लैंडर में, तो नीचे तो यहाँ पर एयर रहेगी, और पिस्टन ऊपर गया तो जो अंदर की एयर थी उसका क्या करेगा पिस्टन? कंप्रेशन करेगा। तो ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो एयर थी उसको कंप्रेस करके ऊपर लेके जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में जनरेट करें, अब मैं ये टर्बो चार्जर ये सब चीज नहीं बनाऊंगा, एक नॉर्मल सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। ये वीडियो में कवर हो रहा है इतना देखो जरा। मान लीजिए छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखो सिलेंडर लाइनर बन गया, यहाँ पर होल थे, तो नेक्स्ट पिस्टन कहाँ पर होगी आपकी? यहाँ पर होगी, बिफोर पीडीसी होगी कि नहीं होगी? इसमें अंदर क्या रहेगा? एयर रहेगा। कौन सी एयर है? कंप्रेसर है ना। पिस्टन ने क्या किया? मूवमेंट किया, कहाँ से? बीडीसी से, बीडीसी पर थी, अब गई है पीडीसी पर। तो उस टाइम पे कितना काम हुआ यहाँ पे? व्हाट द वर्क डन बाय द पिस्टन? एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। अब एक स्ट्रोक जब कंप्लीट हुआ तो काम क्या क्या हुआ सिलेंडर लाइनर के अंदर में? एयर कंप्रेस हुई, और भी कुछ काम हुआ? एक एक लोग बताओ, हाँ बताओ संदीप, बताओ। वो तो एयर कंप्रेस होगी तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, ठीक है। हाँ वो तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, इंक्रीज हो गया होगा, हीट जनरेट होगी। बैठो, और क्या काम हुआ यहाँ पे? ये टाइम पे जब पिस्टन ऊपर थी, ऊपर जा रही थी, उससे पहले और उस टाइम पे क्या काम हुआ है? दो काम हुआ यहाँ पे। एक तो एयर अंदर थी, एयर का इनलेट हुआ और कंप्रेशन हुआ। इनलेट एंड कंप्रेशन, एयर इन हुई और उसको कंप्रेस किया किसने? पिस्टन, ठीक है। दो काम हुए एक साथ यहाँ पे, जब पिस्टन ऊपर गई तो एयर इनटेक एंड कंप्रेस, दो काम हुए। दोनों काम कितने स्ट्रोक्स में हुए? सिंगल स्ट्रोक में हुए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर ये आ रहा है, इधर कवर हो रहा है वीडियो में, ये चीज कवर हो रही है। ओके, यहाँ लिख देते हैं, नंबर वन पे लिख देते हैं इनटेक एंड कंप्रेशन, दोनों एक साथ हुए ना। तो यहाँ पर लिखते हैं इनटेक एंड कंप्रेशन, ठीक है। नंबर दो, अब यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, सबको पता है पिस्टन जब बिफोर पीडीसी होती है तो फ्यूल इंजेक्ट होता है, जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो कंबशन होगा, कंबशन की जगह से वजह से हॉट गैस प्रोड्यूस होंगी, और हॉट गैस क्या करेंगी? पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेंगी, पुश करेंगी, है ना। कब तक पुश करेंगी? जब तक उनके पास पावर रहेगी। करेंगी कि नहीं करेंगी? ओके, अभी मुझे बताना, देखो अभी यहाँ कंबशन क्रिएट करते हैं, डायग्राम अगर वीडियो से बाहर चला जाए फ्रेम से तो बता देना, जा रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी हम बोलेंगे चीज करेंगे, ठीक है। मैं ये डायग्राम हटाता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। देखो पिस्टन कहाँ पर थी हमारी? टीडीसी पर थी, टीडीसी पे है ना, बिफोर टीडीसी। तो
कंबसन होने के बाद में पिस्टन नीचे आएगी, तो पिस्टन नीचे किसकी वजह से आएगी? हॉट गैसेस। ये क्या हॉट गैसेस हैं? पिस्टन के ऊपर पावर लगा रही है, लगा रही है ना। सोचो जब ये पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे है पिस्टन, डस्टर का यूज कर लेते हैं, पिस्टन यहाँ पे है, अभी पोर्ट्स ओपन है क्या? नहीं है। नीचे आया, पोर्ट्स ओपन हुए क्या? अभी हुए क्या? हाँ हुए ना। तो मुझे बताओ जब पोर्ट्स ओपन होंगे, एज वी नो अभी हमने डिस्कस किया है टर्बो चार्जर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? टर्बो चार्जर कनेक्टेड है, इतनी जगह में क्या भरा हुआ था अभी बताया था हमने, यहाँ पे क्या था? एयर था। कौन सी एयर है? फ्रेश चार्ज एयर। कौन सी एयर? फ्रेश चार्ज एयर। तो जैसे ही पिस्टन ये पोर्ट्स को ओपन करेगा, वैसे क्या होगा? फ्रेश चार्ज एयर अंदर जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो यहाँ लगा था वो हो जाएगा। तो यहाँ पर पिस्टन जैसे इस पोजीशन पर आएगा आपका क्या होगा? पोर्ट्स ओपन होना स्टार्ट हो गए। पोर्ट्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं और उसी टाइम पे एग्जॉस्ट वॉल्व भी ओपन होता है सेम टाइम पे। ये जो मैकेनिज्म है ओपन करने का एग्जॉस्ट वॉल्व को, ये कौन ऑपरेट करेगा? कैम शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ द पुश रॉड एंड प्रोपेलर, है ना? तो एग्जॉस्ट वॉल्व जब ओपन होगा और यहाँ से एयर अंदर एंट्री करेगी, तो क्या मैकेनिज्म क्या समझ में आएगा? यहाँ पे ये जो गैस है ये बाहर निकलेगा और एयर की इसमें एंट्री होगी। ठीक। तो क्या हुआ था जब पिस्टन पीडीसी पे था, आया कहाँ पर? बीडीसी पे। उस टाइम पे दो काम हुए यहाँ पे, एक तो पावर जनरेट हुई और दूसरा एग्जॉस्ट गैस में बाहर निकलना स्टार्ट किया। ओके, दो काम हुए जब पिस्टन नीचे आया था, पावर एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रोक का नाम हम दे देंगे यहाँ पर पावर एंड एग्जॉस्ट। पावर एंड एग्जॉस्ट। ठीक है, कितने स्ट्रोक है यहाँ पर? इंजन कौन सा है? अब वापस से पिस्टन ऊपर जाएगा तो सेम साइकिल रिपीट होगा। समझ में आ गया? बट फोर स्ट्रोक में ये सब चीजें चार स्ट्रोक में होती थी, यहाँ पर दो ही स्ट्रोक में पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसीजर हो जाता है सेम लाइक का फोर स्ट्रोक। क्लियर? ओके। अभी पिस्टन जब एक बार पीडीसी पर गया तभी और पिस्टन वापस आया तो पूरे दो स्ट्रोक हुए। इस टाइम पर जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो कितने रिवॉल्यूशन लेगी, कितने चक्कर काटेगी? क्रैंक शाफ्ट चक्कर क्यों काटती है? बिकॉज ऑफ पिस्टन के मूवमेंट से। कितने चक्कर काटेगी? दो स्ट्रोक हैं, वन। ओके, पिस्टन जब ऊपर गया तब आधा, वापस नीचे आया तो फिर से आधा, तो टोटल कितना हो गया? एट। मतलब पिस्टन दो बार ऊपर नीचे कर लेगा तो पिस्टन क्रैंक शाफ्ट पूरी रोटेट हो जाएगी। फोर स्ट्रोक में अगर यही बात होती तो कितने रिवॉल्यूशन होते हैं? टू रिवॉल्यूशन इन फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक में वन रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पावर स्ट्रोक में कितने चक्कर काटती है पिस्टन? टू स्ट्रोक इंजन में एक और फोर स्ट्रोक में दो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया इसका वर्किंग प्रोसीजर कैसे ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद में जो ये प्रोसेस दिख रहा था आपको कि यहाँ से एयर इनलेट हो रही है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग, अब मैं ये हटा दूं, ये वाला डायग्राम हटा रहा हूँ। ठीक है, मार्कर की इंक चेंज कर दिया तुम लोग।
ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स के थ्रू फ्रेश एयर अंदर एंट्री करती है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व होता है जहां से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है। तो मान लीजिए पिस्टन, जब यहाँ से फ्रेश एयर एंट्री कर रही है तो एग्जॉस्ट गैस यहाँ से बाहर निकल रही है, क्लियर? एयर की एंट्री इधर से भी है, एयर की एंट्री इधर से भी है, ठीक है, ये बीच वाले में से भी एयर अंदर जा रही है, चारों तरफ से सारे पोर्ट्स में से एयर अंदर एंट्री कर रही है। तो जो एग्जॉस्ट गैस है इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी अकेले के, बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये जो फ्लो हो रहा है, ये कौन सा फ्लो हो रहा है? ओके छोड़ो, नहीं बता। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, फ्रेश एयर इन हो रही है और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है, क्लियर? यस सर। तो अगर इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन के तौर पर बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग आउट द एग्जॉस्ट गैस विद द हेल्प ऑफ द फ्रेश चार्ज एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्कैवेंजिंग, SCAVENGING। ये प्रोसेस जो है इसका नाम क्या है? स्कैवेंजिंग, क्लियर? अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कैवेंजिंग होती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लेना, समझ में आ गया? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कैवेंजिंग होती हैं, वो आपके सिलेबस में है नहीं है, इंजीनियर्स के लिए होता है, बट अगर देखना है देख लीजिए। यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्कैवेंजिंग हो रही है, यहाँ पे यहाँ से एंट्री कर रहा है और ऊपर चला जा रहा है, ये जो फ्लो है कौन सा फ्लो है? यूनिफ्लो। कौन सा फ्लो है? यूनिफ्लो। कोई फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एयर, एक ही डायरेक्शन में जब कोई चीज फ्लो करती है तो क्या बोलेंगे? यूनिफ्लो, ठीक है, यूनिफ्लो। तो ये जो स्कैवेंजिंग है, ये प्रोसेस है, इसको यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग नाम दे देते हैं। समझ आ गया आज के लिए इतना? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पूछो कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो तो बोलो। पावर